महाराज के दर्शन पड़े आजकल लोगों ने। जोरदार तालियां हमारे अमरेंद्र शर्मा जी के लिए महाराज को। आप अपने आप से बहुत अच्छी प्रति हमारे अपने महाराज जय महाराज जय श्री राम जय अभी शर्मा जी याद कर रहे हैं महाराज के दिनों से। मैं चाहूँगा धर्मदास जी की धर्मपत्नी अपने दादा ससुर आपके दादा ससुर यहाँ पे आते रहे, आपके ससुर साहब यहाँ आते रहे, आपके पति आज भी आ रहे हैं, उससे बस गुजारे आप ये बताएंगे। और अपनी बिटिया गुड़िया हमारी दीपिका गौरव आप लोग आते रहे। हनुमान जी की हम कई बार क्या की वो प्रज्वलित करते हैं 251 500 1100 5 अगस्त को भी गौ जी के साथ में हमने जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो हम लोगों ने आप सभी के साथ में लेकिन सुनो को उठाए कौन मारा। तो आप लोग प्रातःकालीन रंगीनाथ महाराज ब्रह्मपुर में आके हमारे सुबह सुबह कौन हमारे ऐसे बाल गोपाल है हनुमान जी के ऐसे बंदर बहादुर हैं ऐसे एक बार जोरदार तालियां हमारी नीलम बहन जी के लिए महाराज सबसे आती है महाराज जी का तो कैसे कैसे आशीर्वाद मिले। हमारी गुड़िया की तो दीपिका की शादी भी हो गई एक बस से ऊपर हो गया और चार पीढ़ी को महाराज आपके सामने सामने हमने दे दिया और भगवान हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे तो हम जरूर पांचवी की विधि आप मुझे 32 साल हो गए यहाँ पे आते हुए जब से मेरी शादी हुई है इनके साथ में आना शुरू करें। और हनुमान जी की महाराज जी की हर तरह की सेवा में मैं जी ये माना को नारायणी नमस्ते सर्वथा विनर्मुक्तो चंद्रान्य सुदामिना भविष्य मत बता देना भविष्य की न संशया। एक बार जोरदार तालियां बजाने वाला समस्त सबको मैं हो जाऊंगा लेकिन मुझे आगे कौन देना पड़ेगा महाराज आपको हम मोबाइल में महाराज सबसे ज्यादा चित्र मई लेते हैं कौन लेते हैं जय श्री राम। अब इधर उधर मत देखो महाराज हमारे इशारे किधर है जा हमारे हाँ जी प्रभु कितना होना चाहिए सम्मान वाला डॉक्टर रविदास जी अब कितना सम्मान होना चाहिए एक सवाल में बोलेंगे धर्मदास जी का महाराज आप सब भी करेंगे लेकिन महाराज हमारे सबसे प्रिय है और हमारे पिताश्री के भी बड़े प्रिय है। यदि आपसे हफ्ता 10 से 15 दिन बाती हो पाती पावजी को बुलवाते थे और कहते भी क्या हो गया हमारे पावे जी को क्यों नहीं बुलाया चंद मेरी अभी बात करा फोन पे बात करा और डांटते थे आप कितनी बार फोन करवाए आता क्यों नहीं है चला और आप अपने सामने हमारे गाँव में बात पूछी अपने मंदिर के संस्थापक सदस्य रहे उनके बेटे आज भी जीवित रहे रवि बहादुर जी वो रहे और भी उनके बाल गोपाल अभी तो खैर विदेश में चर्चे के अंदर महाराज कार्य कर रहे हैं भगवानी भी कर रही है लेकिन आपको इस मंदिर के लिए महाराज समर्पित करते थे दादा जी भी आते रहे दादी जी भी भाई से खाने के भी आते रहे बैठने वाला इसी जगह पर जो करीब करीब की कथा 40-45 साल की अनुष्ठा बहुत से चली तब से महाराज मैं तो उससे भी पहले से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं हर मंगलवार का ये जो सत्संग चला हुआ है ये करीब 56 वर्ष से चला हुआ है तो तब से आप हमारे मंदिर से बाबा जी के स्थान से आप जुड़े हुए हैं। बचाओ भाई का जोरदार तालियों से स्वागत सभी भक्तों को सुंदर कांड दे रहे हैं और जब तक सुंदर कांड दे रहे हैं एक आशीर्वचन हमारे